फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में ओट्स का उपमा बन रहा है और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो इसे आप अपने घर में ज़रूर बनाएं, ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए, इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओट्स पोहा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गैस पर कढ़ाई बिठा दिया है और अब मैं इसमें तेल डालूँगी। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ। और अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, ये छोटे छोटे प्याज कटे हुए हैं, इसे डाल देंगे। प्याज जब थोड़ा भुन जाए तो इसमें गाजर डाल देंगे, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और गाजर भी थोड़ा जब भुन जाएगा तब हम शिमला मिर्च डाल देंगे, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए उसे थोड़े देर के बाद डालेंगे। गाजर सॉफ्ट हो गए हैं तो अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूंगी, इसे भी भून लेंगे। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। मैं इसमें ये मसाला पाव भाजी मसाला है, आपको जो भी मसाला पसंद हो, जैसे मैगी मसाला, पाव भाजी मसाला या फिर किंग, जो भी मसाला आपको पसंद हो वो डाल दीजिए। और अब एक कप मैंने ओट लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। इसके साथ मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें टमाटर भी डालूंगी और ज़रा सा रोस्टेड मूंगफली, इसको भी साथ में थोड़ा भून लेंगे। बस एक मिनट के लिए भूनना है और वो भी लो फ्लेम पर, तेज मत कीजिएगा। एक मिनट हो गए हैं भूनते हुए, तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, पानी की कुछ बूंदें इसमें छिड़कूंगी, बहुत पानी नहीं डालना है। और इसे मिक्स करेंगे। अब मैं इसे ढक कर थोड़ी देर, यानी एक मिनट तक आप इसे पका लें, ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें घुल मिल जाएं और ये सॉफ्ट भी हो जाए। मैं चेक कर लेती हूँ, एक मिनट हो गए हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फूल गई है और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। आप लेकिन बीच में आप चेक कर लीजिएगा, कहीं जले नहीं आपका नीचे से। तो मेरा ये अब उपमा रेडी हो गया है ओट्स का। और ये अब थोड़ा सा नींबू का रस मैं इसमें डाल दूंगी, इससे फ्रेशनेस फील होता है। और थोड़ी सी धनिया पत्ती, इसे मिक्स कर लेंगे। और ये रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ओट्स का उपमा रेडी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।